क्वेश्चन थ्री है, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल टू स्लाइड फॉर हिज चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. ही प्रेफर्ड टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, वेयर एज द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल 60 डिग्री टू द ग्राउंड, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस. ठीक है, दो केस है हमारे पास. एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो क्या कर रहा है, प्ले ग्राउंड पार्क में बच्चों के प्ले के लिए स्लाइड लगाना चाह रहा है, लेकिन दो स्लाइड है 5 साल से छोटे बच्चों के लिए. पहली स्लाइड है जिसकी जो हाइट है वो है 1.5 मीटर और जो ग्राउंड से उसका एंगल है, ठीक है, स्लाइड का जो एंगल है इंक्लाइंड एंगल वो कितना है 30 डिग्री. ऐसे ही सेकेंड केस है हमारा, सेकेंड केस में 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनका जो एंगल ऑफ उनकी जो हाइट है वो कितनी है, उसकी हाइट है जो स्लाइड है उसकी हाइट है 3 मीटर और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना है 60. ठीक है, यानी ग्राउंड से वो कितना ऊपर उठा हुआ है, किस एंगल पे उठा हुआ है, वो है 60 डिग्री. तो दो केस हैं और दोनों ही केस में हमसे क्या पूछा गया, सिर्फ इन्फॉर्मेशन है उनकी हाइट की. हमसे पूछा गया है वो जो स्लाइड है ना, स्लाइड दोनों की लेंथ कितनी होगी, 5 साल वाले केस में भी और 5 साल से ऊपर वाले केस में भी. तो हमको एक्चुअली पता क्या करना है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाएगा, ये उसकी हाइट है और ये ग्राउंड है, तो हाइट और ग्राउंड के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये क्या बन जाएगा, एक हाइपोटेन्यूज. तो राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, तो मुझे परपेंडिकुलर पता है, अगर आप 30 डिग्री के सामने देखोगे एंगल के अपोजिट जो साइड होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर. मेरे पास परपेंडिकुलर है, मेरे को किसकी जरूरत है, उसने मुझसे कहा स्लाइड की लेंथ बताओ. तो स्लाइड की लेंथ एक्चुअल में क्या है, ये होती है स्लाइड, यहां से आप फिसलते हो, तो ए सी एक स्लाइड है. तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज. ट्रायंगल के हिसाब से देखोगे हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन किस में होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन होता है साइन के एंगल में. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन का रिलेशन होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के साथ. सेम केस यहाँ पे भी है, एक दूसरी स्लाइड है बस उसमें एंगल चेंज हो जा रहा है और उसकी हाइट चेंज हो रही है, लेकिन अभी भी मुझे स्लाइड की लेंथ पता करनी है. तो हाइट अगर 3 मीटर है, स्लाइड की लेंथ पता करने के लिए हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा. हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर का रिलेशन अगेन साइन के साथ होता है, तो दोनों में मैं साइन 30 का फॉर्मूला लगा दूंगा, यहाँ साइन 60 का फॉर्मूला. साइन 30 लिखना चाहूंगा तो क्या लिखूंगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहाँ पे साइन 60 लिखना चाहूंगा तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो पहले केस में इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी मैं क्या लिख सकता हूं, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर ए बी हाइपोटेन्यूज ए सी इक्वल टू क्या होता है, साइन, साइन एंगल होता है. तो साइन यहां पे एंगल क्या दिख रहा है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख दो. ए बी की वैल्यू आपको गिवन है 1.5, ए सी आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2. आप चाहो तो टेबल देख सकते हो, साइन 30 होता है 1/2, तो ये बन जाएगा 1/2. इसको सॉल्व करने पे देखो ए सी पहुंच जाएगा यहां, ठीक है, और ये 2 डिवाइड में है तो 2 डिवाइड का 2 इधर जाके मल्टीप्लाई और यहाँ ए सी डिवाइड में है तो उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई ए सी. क्लियरली ये बन जाएगा कितना, 3 इंटू ए सी. इसको सही तरीके से लिख दें तो ये बन जाएगा ए सी इज इक्वल टू 3 और ये स्लाइड है तो ये किसमें होगी, जैसे ये मीटर में था तो ये भी मीटर में. तो जो पहली स्लाइड है उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर. ऐसे ही सेकेंड ट्रायंगल के लिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर अगेन क्या करते हैं, साइन 60 निकाल लेते हैं. साइन 60 अगर मैं लिखना चाहूंगा तो अगेन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर कितना है, पी क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, पी आर. तो दोनों की वैल्यू रख देते हैं. साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2. साइन 60 होता है √3/2, तो ये वैल्यू रख देते हैं √3/2 इज इक्वल टू, पी क्यू की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है 3 और पी आर मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये पी आर अपॉन में उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई √3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया और 2 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 2 और पी आर और √3 के बीच में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब क्या है, मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा. तो मैं लिख सकता हूँ पी आर इक्वल टू 3×6 अपॉन √3. सॉल्व करने पे आप क्या लिख सकते हो, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 6 अपॉन √3 है तो ऊपर नीचे आपने √3 से
मल्टीप्लाई कर दिया, रैशनलाइज कर दिया, तो ये तो बन जाएगा आपका 6√3 अपॉन में √3, √3 मल्टीप्लाई होके बन जाता है हमेशा 3। तो अब आप कैंसिल आउट कर सकते हो, 3 2 जा 6, तो फाइनल जो आंसर होगा वो आपका होगा 2√3 मीटर। तो हमारे पास जो पहली स्लाइड है उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, वो होगी 3 मीटर, और जो दूसरी स्लाइड है उसकी लेंथ कितनी है हमारे पास, 2√3 मीटर। ठीक है, जो पी आर की वैल्यू थी, पी आर इक्वल टू उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।